मास्टर तरज बजा दल कौन मरत अपना मेहरारू का बखान करता कही के कहावत कहले पुरखा पुरानिया आ बहरा मजा दे मिला के दही बुनिया कही के कहावत कहले पुरखा पुरानिया बड़ा मजा दे मिला के दही बुनिया थोड़ा हारमोनियम बढ़ाएंगे अरे जवान माजा कहा कुछ हो गया कहा अरे रे नरेंद्र कुमार भी आई शुक्र के धरती से तान कैले बा खास तौर से इस सेल्फीए के वजह से बहुत लोग डिस्टर्ब हो आप लोग कम डिस्टर्ब है कुछ गवैया ज्यादा डिस्टर्ब हो है ना कि यार दीवानवा खड़ा होता है इतना सेल्फीया ले वाला काहे आवत हो सब हमन गावत गावत बुढ़ाए गए नहीं हमन के सेल्फी ले वाला ना मिलत हो हां दीवाना ई चार दिन का लवंडा खड़ा होता तो सेल्फी ले वाला आ जाता माउगी कहो थिया ए जी हमरो मन करत था रउआ विषय में कुछ कहे को मर्दा कलस कहो तुमा कहल चाहत रु तो माउगी कहे नई हर में हम के सिखवली दादी माई इतने नहीं आ ससुरा में रहल जाला घुंघटा गिराई घुंघटा गिराई साहब आजकल गीत में कुल का लिखल जाता जाना तनी सब हम नाम ना रख सकिला मन बिना कुछ लिखले हर गीत पसंद कर ली रहुआ सब चाहे वो बनावा तनी खैनी होके चाहे पागल भैल दीवाना होके चाहे अहिर बिना हुरवा होके चाहे दाबी राजा टूटे कमरिया तमाम तमाम अखिया के झुलुआ सिंगार को कोनो ऐसा लाइन नहीं जो नोकरा में होके फिर भी रवा लोग पसंद कर ये हमारा गांव देहात का कल्चर बा आज बारात आइल बा थोड़ा कम कर लीजिए आज बारात आइल बा ए बारात में साहब जैसे जैसे समय बीता था वैसे वैसे बड़ी बदलाव हो गई आजकल खाली सझिया के आदमी आवत रहन नेवता लेके रतिये में निकल जाता रहो पहले एक महीना पहले ही से पहुनी आवो पूरा ही दाई को काकी नानी मौसी दादी फुआ बाबू का फुआ ददो का फुआ आ जा साली सरज कुल आवो हां नहीं तो ये घरी साली सरज ढेरा होता हां वो घरी साली सरज कम आवो सड़ुआना नया चालू भइल आवे तो लोग सिखावे
वह औरत करे कि अगर आप पुरखा पुरनियों से संस्कार सीखे हैं तो हम हूं अपना दादी माई से संस्कार सीखले बनी, दादी माई से संस्कार का सीखले बनी। पहले लोग सिखावा बचिया हो, जब तू ससुरे जा तरू ना तो अब नैहर मा तीनू घर नहीं खे, संभर के रहे के पड़ी। लड़की का संदादी कैसे रहे के पड़ी तो दादी समझाव कि अगर अंगना में बाहर तरू झाड़ू लगावा तरू बाई देवे तो हर ससुर आ जा, तो ये बचिया जितना जल्दी हो सके है मुंह ढाक ली हो, पीछे का उघार को दियो। अब साड़ी का औकात कितनी भड़बड़ा में आगे करी तो पीछे घर में न करी। एक खरी बात काकी आ गई कहली कि ये बचिया अगर तोहार भौसुर जी आ जाए हन वो टाइम का करी हो, हाई घूंघटा धाय देना कम से कम दांत तक तो चली आवे के चाहिए, ओठलाली लेके के चाहिए, भौसुर को ओठलाली रखाई। जब भौजाई आवे ऊ कहां कि ए ननदो अगर तोहार देवर जी आ जाए हन तो हाई पल्लू हेहू तो रही तब चल जाए, हेडलाइट लेके के चाहिए, देवरा का आधा होला मार खइबो। अगर तोहार समाग आ जी हन तोहार ससुर है ऊ का कहल जा पहुन, अगर ऊ आ जा तो ई साड़ी का पल्लू हेहू तरे रही तब चल जाए, पर्दा उठा देबु तब चल जाए, दुआरी का पर्दा उठाए तबे ना अंदर डुके तो खुलब खुला कहानी की दुआरी का पर्दा उठा देबु तब चल जाए। यही संस्कार पहले दिया जाता था और इसका नतीजा ये है साहब कि पहले की लड़कियां घर ज्यादा संभालती थी, आज की लड़कियां घर कल कम संभाल रही हैं। पहले संस्कार रहे अगल बगल के लोग से डराए बड़ा परिवार बन के चले, आजकल तो यह संस्कार का नतीजा बाकी चार लड़कन का मतारियों लेके आसी के फूर हो जाता रही, सिखौले लिखे जा ई कह दिया कि रउआ के सिखावल गेल बा त हमरो के सिखावल गेल बा, ए जी सुनी ना हमार माई दादी का के का सिखा के भेजले बली बताओ। ओहा दिया अरे नई हर में हम के सिखवली दादी माई, आ ससुर में रहल जला घुघुटा इंटरनेशनल स्कूल बंदे का भैया हाँ। ए बासुपुर निहूरपुर बेद इंटरनेशनल स्कूल बासुपुर सैदपुर, सैदपुर लिखले बोला तू ढेर हमारे लिए पढ़ले बड़े।